ऑफिस के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी मनमोहन सिंह जी, हमारे यहाँ पर ब्लॉक सदर साहिबान हमारे परमाल सिंह आज भी इस्तेमाल करना पार्टी के खड़ोते दिन और मैं मीर साहब को बताना चाहता हूँ। कोई भी नहीं था, ये हर छह साल 24 साल जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के हाथ में रही। तो हम आप लोगों से आस करते हैं और आप लोगों से प्रार्थना करते हैं कि पार्टी को मजबूत करने के लिए छोटी छोटी बातों से बाहर निकलकर पार्टी का काम करें, संघर्ष करें। अपने अपने एरिया में, अपने अपने गांव में हम जितना भी कर सकते हैं कोशिश करें हम अपनी इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को आगे ले जाने के लिए। तो मैं सभी जो स्पीकर हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आए यहां पर बोले लिमिटेड समय के अनुसार और बात जो है वो पार्टी के हित में रखे, पार्टी को कैसे मजबूत करना है, पार्टी को कैसे आगे ले जाना है। मोदी का इजहार करते हैं लेकिन ये जरूर कहेंगे कि कहीं ना कहीं उच्च स्तर की जांच भी जरूरी है। ये दर्शाता है कि भाजपा जम्मू कश्मीर में जिस तरह से धार्मिक भावनाओं को भड़का के रोटियां सेकती है, भक्तजनों का ख्याल चाहे वो यात्रा हो नहीं करवा सके 3 साल, अमरनाथ यात्रा हो, दूसरी जगह पे हो, लेकिन आज जिस तरह से ये हादसा हुआ बच सकता था अगर वहां का निगरानी करने वाले अफसर। 40,000 जाने की यात्रा 1,00,000 से ज्यादा हुई, क्या वजह होगी वो जान की बात होगा, लेकिन हम लोग सब लोग उन परिवार वालों के साथ यहां पे खड़ा है हमदर्दी का इजहार करते हुए। और मैं समझता हूँ कि आपके सारे साथी राहुल गांधी जी भी बीच में जिस तरह से शिवदेव जी ने कहा बहुत बड़ा इस्तेमाल आप लोगों ने किया, रूबरू राहुल गांधी जी के साथ यहाँ पे हुए और राहुल गांधी जी पैदल चल के वैष्णो देवी माता के दर्शन करने के लिए आए, गए भी पैदल और आए भी पैदल। क्या ये भी बड़ा लोगों को अचंभा लगा कि ऋषि मुनि और पीर पैगंबरों की धरती है और आपका भी मन करता होगा जो अंत तक जाके वहां पे पैदल चल के गए उनके हाथों को मजबूत करें, चाहते हो ना कि राहुल गांधी के हाथ मजबूत करें। और ये जो आज की रैली है ये आम रैली नहीं होगी, ये बिगुल बजेगा बदलाव का, यहां से बिगुल बजेगा और जम्मू कश्मीर से भाजपा को तो भगाना है और यहां से वह हिंदुस्तान में जाएगी ताकि भाजपा को भगाते हुए हम अपनी महंगाई की मार जो भाजपा ने हम लोगों पर ला दी है हमें उसे छुटकारा मिले। अगर हमें राहत चाहिए कि हम आम आदमी जिसका चूल्हा भी आराम से चल सके, उन लोगों की वो जन विरोधी नीतियां जो भाजपा ने हम पे अपने जरिए किस ढंग से टैक्स वसूली करने के लिए सरकार के माध्यम से दी है, हम सब लोग उसका विरोध करें। आज नए साल की शुरुआत मैं समझता हूँ वो बिगुल बजा के मीर साहब की अध्यक्षता में यहाँ पे होगी कि जब भी चुनाव आए लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि बैलेट का इस्तेमाल करें, आराम से ही बटन दबाएंगे जिस ढंग से हिमाचल के लोगों ने बटन दबाया और हिमाचल के बटन दबाते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम होंगी। एक नए साल को लेकर पिछले कई वर्षों से नगरोटा वाले आपस में मिलते हैं और शिवदेव जी इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। आज इत्तेफाक से हम लोग जम्मू में ही थे, पहले भी बुलाया था नहीं आ पाए थे, तो आज उस नए साल के उपलक्ष्य में इनके साथ में वार्तालाप हुई। मगर आज के दिन ही थोड़ी बदकिस्मती हुई थी कि माता वैष्णो देवी के यहाँ पर हादसा हुआ था, कोई 10-1 लोग उसमें मारे गए, 10 लोग जख्मी हैं, तो उसको भी श्रद्धांजलि देते हुए मोटे तौर पर आज के इस ओकेजन से साफ पता चलता है कि लोग चेंज चाहते हैं। भाजपा के गलत पॉलिसियों का जो असर है वो सीधे लोगों पर, गरीब लोगों पर, उनकी महंगाई पर, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने पर, उनके झूठे वादे देश के साथ में, लोगों के साथ में, वो आज एक्सपोज हो रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दूसरे पार्टी से आकर के कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, हमें पूरी उम्मीद है अगर भाजपा को हिम्मत बनती है, अभी तो उनको ग्राउंड रिपोर्ट अपने फेवर में दिख नहीं रहा है, इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन के आड़ में भी 2 साल उन्होंने खींच लिए, अभी कितना टाइम खींचेंगे
क्या उनको हिम्मत पड़ेगी चुनाव करने की, वरना हमारी लगातार डिमांड रही कि जम्मू कश्मीर को एक पॉपुलर सरकार चाहिए, लोगों को अपने नुमाइंदे इलेक्टेड चाहिए ताकि इनकी रोज़मर्रा के काम आगे बढ़ सके।